रुचिज वर्चुअल कुकबुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की एक बेहद फेमस डिश स्वाले। स्वाले मीठे और नमकीन दोनों तरह से बनाए जाते हैं। आज हम बनाएंगे नमकीन स्वाले। नमकीन स्वाले एक तरह की भरवा पूरी होती है जिसे पहाड़ी दालों से बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे रायस की दाल के स्वाले। तो आइए शुरू करते हैं। एक कप रायस की दाल मैंने ली है। इसे तीन चार पानी से अच्छे से धोकर कम से कम 8-10 घंटे के लिए मैं इसे भिगाने रख दूंगी। रायस की दाल अच्छे से भीग गई है और इसका पानी मैंने निथा लिया है। अब इसे हम उबालने रखेंगे। आठ दस कर लिया लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक टीस्पून तेल, दो हरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, इसमें पानी डाल देंगे। चार कप इसमें पानी डाल दिया मैंने। दाल अच्छे से गल गई है, अब हम दाल को निथार लेंगे। दाल का पानी हमने अच्छे से निथार लिया है, दाल ठंडी भी हो गई है। अब हम इस दाल को पीस लेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत फ्लेवरफुल पानी है, इस पानी से ही हम आटा गूंद लेंगे। दाल अच्छे से पिस गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। भरावन तैयार हो गया है, अब हम स्वाले के लिए आटा गूंद लेते हैं। तीन कप मैंने आटा लिया है, एक टीस्पून अजवाइन जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, एक टीस्पून नमक, दो टेबलस्पून मैं मोयन इसमें डालूंगी, घी के मोयन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। दाल उबाल कर जो पानी बचा था उसे आटा गूंद लेंगे। स्वाली के लिए आटा पूरी जैसा सख्त नहीं गूंदा जाता है। इसके लिए आटा जब हम गूंदते हैं तो उसे पूरी के आटे से थोड़ा मुलायम और रोटी के आटे से थोड़ा सख्त रखते हैं। आटा गूंद गया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए भिगा कर रखेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। 15-20 मिनट के लिए हम आटे को ऐसे छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हम आटा चेक कर लेते हैं। हल्का सा घी हाथ में लगा लेते हैं। स्वाले के लिए आटा हमारा तैयार हो गया है। दाल में अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1.5 टीस्पून नमक। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वाले के लिए भरावन भी तैयार हो गया है, अब हम स्वाले बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा घी चकले में लगा लेंगे, थोड़ा सा बेलन में भी लगा लेते हैं। किनारे की तरफ पतला करेंगे और बीच में हम मोटा रहने देंगे।
हल्का हल्का बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है। एक बड़ा स्वाला भी मैं बना रही हूँ, जिस तरह से पहाड़ में बनते हैं बड़े बड़े स्वाले बनाते हैं, उसी तरह से एक बड़ा भी मैंने बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के पारंपरिक स्वालों का स्वाद आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज के लिए रुचिज वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।